हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। गाइस, क्या आप जानते हैं निराज सिंह चौधरी 100 वर्ष से ज़्यादा जिए और अपनी इस दीर्घ आयु में उन्होंने अंत तक लिखना नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उनकी लास्ट बुक 3 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स उन्होंने 99 की एज में लिखी, जिसे कि उनके 100th birthday के आसपास पब्लिश करवाया गया था। निराज सिंह चौधरी की बायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन और उनके प्रो स्टाइल के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से होती रहे। गाइस, किसी भी राइटर के वर्क को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हों। हालांकि डेट्स को याद करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन एज अ मास्टर स्टूडेंट एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स हमें करना चाहिए। इनकी इवेंटफुल हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हमने इस तरह से एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। आई एम श्योर अगर इस डायग्राम के थ्रू आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ जर्नी। गाइस, निराज सिंह चौधरी का जन्म किशोरगंज में हुआ था इन द ईयर 1887, जो कि अब बांग्लादेश में है, पहले बंगाल में था। बंगाल, जी हाँ, वो जगह है जहाँ वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर को काफ़ी सपोर्ट मिला। इनकी फैमिली ने भी इन्हें वेस्टर्न कल्चर, म्यूज़िक और लिटरेचर की तरफ मोटिवेट किया। इन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ था। इन्हें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो और बंगाली तो आती ही थी, इसके अलावा इन्होंने यूरोपियन भाषाएँ भी सीखी, जैसे कि लैटिन और फ्रेंच। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से बीए ऑनर्स किया था इन द ईयर 1918, लेकिन इसके बाद एमए इन हिस्ट्री ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इस कोर्स को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। एमए कंप्लीट ना करने के कारण यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वे नहीं पढ़ा सकते थे, तो इन्होंने जर्नलिज्म की तरफ रुख किया। इन द ईयर 1937 इन्होंने शरद चंद्र बोस जी को ज्वाइन किया, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ब्रदर थे, एज अ सेक्रेटरी। इससे पहले ये इंडियन आर्मी में एज अ क्लर्क काम करते थे। इन्होंने अपना बंगाली कल्चर छोड़कर ये दिल्ली चले गए, जहां इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया एज अ पॉलिटिकल कमेंट्रेटर। लेकिन इनकी ब्लंट कमेंट्री के कारण इन्हें वहाँ भी जॉब से हाथ धोने पड़े। माना जाता है हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ, निराज सिंह चौधरी के सक्सेस के पीछे भी इनकी वाइफ आमिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ निराज सिंह चौधरी एक खर्चीले इंसान थे, वहीं आमिया ये सब कोशिश करती थी कि हिसाब खाते वो मेंटेन करती थी, ताकि इनके सब शौक वो पूरे कर सकें। इनफैक्ट उन्होंने एक बार गोल्ड कॉइन्स भी बेच दिए थे, ताकि निराज सिंह चौधरी एक कैश्मीर एक्सपेंसिव शॉल खरीद सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1951 निराज सिंह चौधरी की पहली बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लॉन्च हुई, जिसके कारण वे काफ़ी विवादों में रहे, क्योंकि ये बुक इन्होंने कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में डेडिकेट की थी। इसी तरह इन्हें इनविटेशन मिला था इंग्लैंड जाने का बीबीसी की तरफ से, जहाँ ये 1955 में इंग्लैंड गए थे, और उसी दौरान इनके जो एक्सपीरियंस थे उनको इन्होंने एक बुक में लिखा था, अ पैसेज टू इंग्लैंड, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। 1966 में इन्होंने एक और बुक लिखी, कॉन्टिनेंट ऑफ सर्सी, जिसे कि डफ कूपर अवार्ड मिला था। इस बुक में इन्होंने इंडियंस के ओरिजिन के बारे में ऐसे रिमार्क्स किए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गए थे। इसके बाद जिस तरह अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, ये भी हमेशा के लिए भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए इन द ईयर 1970। वहाँ जाकर इन्होंने मैक्स म्यूलर की बायोग्राफी पर काम शुरू किया, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इन द ईयर 1975। इसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का एक सीक्वल लिखा इन द ईयर 1987, जिसका नाम था दाय हैंड ग्रेट एनार्क। इसी के साथ इन्हें 1990 में CBE कमांडर
ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से नवाजा गया, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है ब्रिटिशर्स का। इन्होंने अपनी लास्ट बुक थ्री हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स लिखी थी इन द ईयर 1997। इसी के बाद इन द ईयर 1999 में इनका निधन हो गया था। तो ये थी इनकी इवेंटफुल लाइफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं इनकी बुक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये बुक इनकी रियल ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, जैसा कि ये खुद बताते हैं। द स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ अ सिविलाइजेशन विद हॉस्टाइल एनवायरमेंट इन विच डेस्टिनी ऑफ ब्रिटिश गॉट नेसेसरली इन्वॉल्व्ड। इनफैक्ट ये बुक इन्होंने कम्प्लीटली ब्रिटिश एम्पायर के लिए डेडिकेट की थी। इनकी टारगेट ऑडियंस थी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, जहाँ के ये बंगाली में भी लिखते थे, लेकिन पर्टिकुलरली इस बुक को इन्होंने इंग्लिश बोलने वाले रीडर्स के लिए लिखा था। इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में ये कहते हैं कि इसे डेस मेमोयर्स द आउटर मैनशे बोला जाए। मैनशे होता है सी। तो इनका ये मानना था कि दिस बुक इज रिटन विद मेमोरीज बियॉन्ड द सी। ये मानते थे कि इनकी ऑडियंस वेल रेड होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने इस तरह की कोटेशंस और इस तरह की और कोटेशंस का यूज़ किया, जिसका इन्होंने कोई ट्रांसलेशन भी नहीं दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बुक इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सपोर्ट में लिखी थी। ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने ही हमें सारा शेप अप किया है, इसलिए ये एक एंग्लोफाइल माने जाते हैं और इन्होंने स्ट्रॉन्गली अपना एंग्लोफाइल नेचर दिखाया था। इस बुक के फोर पार्ट्स हैं और हर बुक के फोर फर्दर चैप्टर्स हैं। बुक वन इज अर्ली एनवायरनमेंट, विच इज़ डिवोटेड टू हिज बैकग्राउंड, एंसेस्ट्रल विलेज एंड द बंगाली लाइफ। द सेकेंड बुक इज फर्स्ट 12 ईयर्स, विच डिस्क्राइब्स हिज अर्ली लाइफ। बुक थर्ड इज एजुकेशन, विच covers the years he spent in school and college. And book 4, Into the World, is about the life in the year 1920. इस बुक को लिखते समय इन्होंने जेनरस यूज़ किया है मेटाफर्स का, मेटाफर्स यानी कि कंपैरिजंस का, जो कि इन्होंने वेस्ट से लिए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि शोरगंज आई हैव कॉल्ड अ कंट्री टाउन बट द प्लेस हैज़ नथिंग ऑफ कंट्री टाउन अबाउट इट। इन्होंने यहाँ किशोरगंज का इंग्लैंड के टाउन से कंपैरिजन किया है। इसी तरह से एक और लाइन इन्होंने लिखी है, इट वाज आर नाइल कंट्री बोट्स, जिसका रेफरेंस इन्होंने एक रिवर और बोट्स के लिए दिया है। इनकी टोन इस बुक को लिखते समय काफ़ी डिटैच्ड और एंटी पैट्रियाटिक थी। जिस तरह से राजा राव ने कांठापुरा का एक डिस्क्रिप्शन दिया है और एक काफ़ी हाई डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे कि वो फीलिंग आती है बिलोंगिंगनेस की, इन्होंने एक डिटैच्ड टोन में अपने विलेज का वर्णन किया है, जैसे कि आर विलेज वाज वन अमंग अ स्कोर विद अ पैच ऑफ वाइट एंड ब्राउन मशरूम्स। इनफैक्ट ऐसा कहना एक प्रेजुडिस की तरह साउंड करता है, मशरूम्स बोलना एक प्रेजुडिस की तरह साउंड करता है। लेकिन ये कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन देते हैं लिखते समय। इन्होंने एक रेनी सीन का डिस्क्रिप्शन दिया है विद वेरी माइन्यूट डिटेल्स कि किस तरह से वहाँ सब सिचुएशन फ्लडेड हो गई थी और हर 2 फीट पर ब्रिक्स लगा लगा कर कि ये लोग चल रहे थे। ये एक प्रोलिक्स राइटर हैं, ये लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते हैं विद लिंकिंग फ्रेजेस। इनफैक्ट इनकी राइटिंग में थोड़ा सा टच ऑफ ह्यूमर भी है, जहाँ इन्होंने लिखा है कि किस तरह से विमेन अपना घर, अपना मायका छोड़ते हुए ससुराल जाते समय थोड़ा सा रोती हैं, अगर वो नहीं रोएंगी तो ये उनकी रेपुटेशन की बात हो जाएगी। कि उनका स्टाइल काफ़ी क्लियर और अनएम्बिगुअस है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन अपनी बात बताने में बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी का सीक्वल लिखा था दाई हैंड ग्रेट एनाक, जिसमें इन्होंने एफर्ट्स यही रखे थे कि उनकी पिछली बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन से ही मैच हो। उस बुक में
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडियन में इन्होंने अपनी स्कॉलर कैपेसिटीज़ के बारे में बताया। वहीं दाई हैंड ग्रेट अनाथ में इन्होंने ये बताया कि इनकी वाइफ कितनी फॉर्चुनेट हैं टू हैव हिम एज अ हस्बैंड। तो ये अपना लैक ऑफ मोडेस्टी एंड बोस्टिंग एटीट्यूड रखते हैं इन बोथ द बुक्स। जैसा कि ये बचपन से ही एक इमेज क्रिएट कर चुके थे अपने माइंड में इंग्लिश सोसाइटी की, जिस वजह से ये देश छोड़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड में जा कर के बस गए, लेकिन वहाँ जाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इनफैक्ट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द इंग्लिश सोसाइटी विच ही एक्सप्रेस्ड इन हिज बुक थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स एंड इन दाई हैंड ग्रेट अनाथ ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं और इनकी यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करते हैं। दाई, एनार्क, क्रेडो, कुछ ऐसे वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं जिससे कि रीडिंग में एक ब्रेक लगता है। इन्होंने जिस तरह की पिक्चर इंडिया की रिप्रेजेंट की है अपने बुक्स में, अपने एसेज में, उससे एक ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड नज़र आता है। जी हाँ, ओरिएंटलिस्ट आपको पता होगा, एक ऐसी पिक्चर जो वेस्ट के राइटर्स क्रिएट करते हैं ईस्ट के बारे में, जो कि थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड होती है। अपनी बुक कमेंट ऑफ सर्सी में इन्होंने इंडियन ओरिजिन के ऊपर कुछ ऐसे रिमार्क्स किए थे जिसकी वजह से हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे। तो गाइस, हमने देखा किस तरह से निराज सिंह चौधरी एक एंग्लोफाइल राइटर थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स उनकी राइटिंग एक्सलेंस, उनके टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से वो एक लिटरेचर का पार्ट बने। ही एक्चुअली मेड इंडियंस प्राउड बाय हैविंग बीइंग ऑनर्ड विद CBE, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इटसेल्फ। इनफैक्ट इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर भी मिला, एंड ही अर्नड अ ब्लू प्लाक, जो कि एक रेजिडेंशियल एड्रेस पर लिखा जाता है इन इंग्लैंड, विच इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड इन इटसेल्फ। नो डाउट निराज सिंह चौधरी वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट बॉर्न एट अ रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमायरर ऑफ द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट इन द एंड थॉटफुल इंडियंस रियलाइज्ड his heartfelt autobiography and what he felt and what he wanted to convey through his autobiography. I hope इस वीडियो की वजह से आपकी माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी रिगार्डिंग निराज सिंह चौधरी एंड हिज राइटिंग स्टाइल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी।